क्वेश्चन नंबर वन है, एक्सरसाइज 2.4। अब पीछे हमने जो एनयूटी वाले क्वेश्चन किए हैं उसमें एनयूटी एट द एंड और एट द बिगनिंग वाले था। इन क्वेश्चंस में एनयूटी कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालो, तो डाटा इसका वैसे ही है, ठीक है। जो एनयूटी है वो हमारे पास आर होता है 5000, पेबल एट द एंड ऑफ ईच फॉर 10 ईयर्स, एन आ गया 10। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर आई होता है 5%, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 100 से डिवाइड कर देंगे 0.05। प्रेजेंट वैल्यू के लिए जो एनयूटी होगी उसका जो रिलेशन है वो हमारे पास पी इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू पी आ जाएगा, तो जो आर है वो 5000, 1 माइनस 1 प्लस आई है 0.05, एन है हमारे पास 10 और आई क्या है 0.05। तो ये आ गया 5000, 1 माइनस इनको जमा कर लें तो 1.05 हो जाएगा माइनस 10। ये इसको मैं इधर कर लेता हूँ इसके नीचे, ठीक है। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, 5000 डिवाइड बाई 0.05, तो ये आ गया हमारे पास 1 लाख। ये आ गया 1 माइनस, इसको मैं नीचे ले जाता हूँ, पहले पावर पॉजिटिव बना लेंगे, नीचे जाएगी तो 1.05 की पावर 10 आ जाएगा 1 लाख 1 माइनस। अब ये मैं क्या करता हूँ, 1.05 की पावर, ये पावर यहाँ से 10 और ये 1 डिवाइडेड बाय ये जो जवाब आएगा, तो ये आ गया 0.6139। 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 0.3860। इनको ज़रब कर लें तो ये आ गई जी हमारी प्रेजेंट वैल्यू 3860, 8.67 कर लो, ठीक है। और ये हमारा था जी क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या निकालना था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी जिसकी जो पेबल है वो आर होता है हमारे पास, एंड ऑफ ईच ईयर 10 ईयर्स है तो वो एन होता है, रेस्ट आई होता है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए फार्मूला सिंपली दर्ज करेंगे, अब इसमें नेगेटिव वैल्यू थी इसको इधर लेके जाकर डिवाइड कर दें, इसको पहले नीचे लाएंगे, पावर लेंगे, डिवाइड करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे और फिर लास्ट पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनयूटी के लिए हमारे पास जो रिलेशन होता है पी इज इक्वल टू आर 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई, ठीक है। तो जो एनयूटी है वो आर होता है 400, ईच मंथ आ गया तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे जो वक्त है और रेट को 12 से डिवाइड करेंगे, ये आपने याद रखना है। एन इज इक्वल टू 4 है तो ईच मंथ के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 48 आ जाएगा। रेट को आई हम कहते हैं, एन टाइम को कहते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, परसेंट ख़त्म करेंगे 100 से डिवाइड हो जाएगा 0.06। मंथली के लिए इसको डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे मंथली, तो 0.06 डिवाइडेड बाय 12 0.005। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई, इनको हमने फार्मूले में दर्ज कर देना, ठीक है। तो P बराबर R, R की वैल्यू है 400, 1 माइनस 1 प्लस I है 0.005,
माइनस एन है 48 ओवर आई, आई क्या है 0.005। मैं इन दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ 400 डिवाइड बाई 0.005, तो ये आ गया 80,000। ये आ गया 1 माइनस, इनको मैं जमा भी कर लेता हूँ और पावर को जमा बनाने के लिए नीचे भी ले जाता हूँ, तो 1 लगा कर ये आ गया 1.005 की पावर 48। जमा कर लिया और पावर को माइनस करने के लिए नीचे ले आया, इसको इधर डिवाइड कर दिया 1, वैसे ही आ गया 80,000 1 माइनस। अब ये जो है 1.005 इसकी पावर मैंने ले ली 48 और फिर 1 डिवाइडेड बाय ये जो आंसर आया ये आ गया 0.7879। है ना, राउंड करेंगे तो इधर एक का इजाफा हो जाएगा, ये 1 में से इसको माइनस कर दें तो 80,000 इंटू ये क्या आ गया 0.2129। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 17032। आगे अगर लिखना है तो 13 राउंड करके ये भी लिख सकते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ये जो मंथली पेमेंट्स हैं वो 400 है, इसको हम आर कहेंगे, 4 इयर्स के लिए एन है, मंथली हो तो जो टाइम है उसको 12 से मल्टीप्लाई करना होता है रेट को, और ये इस तरह वैल्यूज रखती हैं, इसको इससे डिवाइड कर दिया, इनको जमा किया और पावर को नेगेटिव है ना पॉजिटिव बनाने के लिए बटे में ले जाएंगे, फिर इसकी पावर लेके 1 को पहले लिखेंगे, फिर जो आंसर आया होगा उससे डिवाइड करेंगे, इन दोनों को माइनस किया फिर मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी, फिर वो पी निकालना है, द साइज ऑफ ईच पेमेंट, ये हमारा आर होता है 200। एट द एंड इफ ईच क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 4, अब टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, अपने याद रखने एन है 8 और क्वार्टर के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और लिख लेंगे साथ क्वार्टर ली, तो ये आ जाएगा 32। रेट है 7%, परसेंट को खत्म करें तो 100 से डिवाइड करना होता है 0.07 और 4 से डिवाइड कर देंगे इसको क्वार्टरली, तो 0.07 डिवाइडेड बाय 4 तो ये आ गया 0.0175, तो ये ठीक है जी, ये हमारा आई आ जाएगा। तो सारा डाटा हमारे पास आ चुका है, अब हम इसको सिंपली क्या करते हैं दर्ज कर लेते हैं। फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू को पी इक्वल टू आर, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन ओवर आई, ठीक है, आर जो है वो है हमारे पास 200, 1 माइनस 1 प्लस आई है 0.0175 की पावर माइनस 32 ओवर आई की वैल्यू है 0.0175, 200, इन दोनों को डिवाइड कर दें इधर 200 डिवाइडेड बाय 0.0175 तो ये आ गया 11,429 राउंड कर लें तो, बाकी अंदर आ जाएगा 1 माइनस, इनको जमा कर लो 1.0175 की पावर माइनस 32 तो ये आ गया 11429, 1 माइनस, पावर माइनस में हल नहीं होती नीचे लेके जाएंगे तो 1.0175 की पावर 32, इसको वैसे लॉग से भी हल किया जा सकता है। अब
1.0175 की पावर 32, फिर 1 डिवाइडेड बाय ये रकम, तो 11429 ये आ जाएगा 1 माइनस 0.57398। 1 में से इसको माइनस कर लें तो ये आ गया हमारे पास 0.4260। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 1149 4868.94। ठीक है जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी हमने एनविटी की, जिसमें एन 8 था, आई 7 था, लेकिन क्वार्टरली था तो एन को 4 से मल्टीप्लाई करना है और रेट को भी 4 से डिवाइड करना है। पहले परसेंटेज को ख़त्म करना है 100 से डिवाइड करके। ये वैल्यू फार्मूला, इसमें सारी वैल्यूज हमने रख दी, ये जमा हो गया, ये इस पर डिवाइड कर दिया, ये पहले अंदर जमा हो गया, फिर ये नीचे आके प्लस हुई, पावर ली, डिवाइड किया, माइनस किया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया और इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं मिस्टर रहमान हैज बोरोड 80,000 फ्राम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने घर तमीर करने वाली कंपनी से 80,000 रुपये लिए। ही विल हैव टू पे बैक द लोन इन इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। ठीक है जी, मंथली इंस्टॉलमेंट में देने 20 ईयर्स में। अगर रेट 12% है कंपाउंड मंथली, व्हाट अमाउंट वुड ही हैव टू पे ईच मंथ टू रीपे द लोन। तो वही पी निकालना है, पी उन्होंने दिया हुआ है हमने, यानी जो मंथली उन्होंने देनी है ना वो निकालना है, जो आर होता है हमारा मंथली पेमेंट्स। तो अब चूँकि मंथली है तो जो ईयरली है इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रेट है इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, N8 20 है, यहाँ पर N 20 ईयर्स हैं, तो मंथली में बनाने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 240 मंथली आ जाएगा। और रेट जो है वो है 12%, परसेंट को ख़त्म करेंगे तो 100 से डिवाइड तो 0.12 आएगा ये। तो उसके बाद मंथली है तो इसको 12 से डिवाइड भी करना पड़ेगा मंथली, ठीक है, 0.12 डिवाइडेड बाय 12, 0.01 हो गया। तो जी टाइम भी बन गया, रेट भी बन गया। अब प्रेजेंट अमाउंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है, पी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस i की पावर माइनस n ओवर i। तो पी जो है वो हमें दिया गया है, प्रेजेंट अमाउंट 80,000, आर हमने मालूम करना है, 1 माइनस 1 प्लस i जो है वो है 0.01 की पावर माइनस ये 240 हो गई, ओवर आई जो है वो है 0.01। इसको उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, 80,000 मल्टीप्लाई 0.01, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, आर इंटू 1 माइनस ये 1.01 की पावर माइनस 240। अब ये देखें, मैं इसको डायरेक्ट करता हूँ, 1 माइनस ब्रैकेट 1.01 होल पावर माइनस 240। ये देखें, ये हमारे पास आ गया 0.9082। इसको राउंड कर लिया ना हमने, इनको भी ज़रब कर लें
ब्रैकेट 80। चले 80,000 मल्टीप्लाई 0.01 तो आ गया 800। तो 800 और ये इधर आके डिवाइड होगी 0.9082। ये मंथली इंस्टॉलमेंट्स हमारी निकलेंगे 800 × 0.9082। तो ये तकरीबन 880 पॉइंट समथिंग आ गया 863। ठीक है जी, आर आ गया। यहाँ पर आर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो मंथली इंस्टॉलमेंट्स होंगी हमारी। दोबारा देख लें क्वेश्चन नंबर 4.4 एक्सरसाइज। कहते हैं अहमद निबारो 80,000 फ्रॉम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस। ये हमारा प्रेजेंट अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद 20 इयर्स के लिए है तो वो एन हो गया, 12% है तो वो रेट हो गया। तो मंथली हो तो एन को 12 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करना होता है, रेट को 12 से डिवाइड करना होता है। वैल्यूज रखेंगे एन चोल सॉलिड। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, बुक चेंज हो गई है? नहीं, ये नई बुक है, कुछ सवाल पुराने हैं, बस नंबरिंग चेंज की गई है। लेकिन मैंने सारे एडिट करके कोशिश की है पूरी बुक ही अपलोड कर दूँ। तो जो बच्चे ऑनलाइन होते हैं कमेंट ज़रूर किया करें, बताया करें समझ आ रही है नहीं आ रही। जो डाउनलोड करके देखते हैं वो भी अगर समझ आई है तो बाद में आके थैंक यू कर दिया करो यार, पास होने के बाद ही कर दिया करो, मिठाई तो खिला दिया करो ज़ालमो। प्रेजेंट वैल्यू है एनुइटी 100 पेबल एट द एंड ऑफ क्वार्टर। क्वार्टर आ गया, 4 से एन को मल्टीप्लाई करेंगे, आई को 4 से डिवाइड करेंगे। इज प्रेजेंट वैल्यू दी गई है, पेबल आर दिया गया है, एन दिया गया है, इंटरेस्ट रेट कंपाउंड क्वार्टरली निकालना है। बेटा जैसे पिछली मशक में हमने निकाला था ना जो था अमाउंट ऑफ एनुइटी, उसके लिए हमने वो रिलेशन दूसरा यूज़ किया था, सेम इसके लिए भी यूज़ करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू पीरियोडिक पेमेंट इनटू ए एन अपॉन आई बाय 4 क्वार्टरली के लिए। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इसको हम डिस्काउंट फैक्टर भी कहते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी जो है वो हमें दी गई है 2760, पीरियोडिक पेमेंट 100 दिया गया है। अब एन जो है 9 × 1/2 दिया गया है, 2 × 9 = 18 और 1 19/2 क्वार्टरली के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 × 2 = 4 करेंगे तो एन आ गया 38। तो यहाँ आ जाएगा 38 आई बाई 4। ठीक है, ये वैसे नहीं निकलता, इसके लिए आपके पास टेबल होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी का। 100 को इधर आके डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 38 अपॉन आई बाय 4। 100 से डिवाइड करेंगे तो 27.60 ए 38 अपॉन आई बाय 4। तो अब बच्चों इसको हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी वाले टेबल में ढूंढना है। तो ये जो है ना नदीम प्रोफेसर वाली बुक में दिया गया है और नज़ीर वाली में मुझे नहीं मिला वैसे। तो ये आपको चाहिए हो तो मेरे से ले सकते हैं। कैसे लेंगे ये आपको पता है कैसे लेना। तो 38 में 27 ढूंढना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी। तो 38 में हमने ढूंढना है 27। 38 में अगर हम जाते जाएं तो ये आ गया 28 और ये आ गया 26। 27 नहीं है तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करेंगे, हमें सेंट्रल वैल्यू मिल जाएगी, यानी 2 और 1.5 के सेंटर में। तो देखो कैसे करेंगे, 2 + 1.5 क्या होता है 1/5%। 38 आई बाय 4 तो 2.5 ये बनेगा 3.5 डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये आ गया 1.75%। ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ए 38 अपॉन आई, ये ज़रब करें, इसको मल्टीप्लाई 4 करें तो ये हमारे पास 7% आ जाएगा। इसके अलावा मुझे कोई तरीका वैसे नहीं मिला, आपको कोई मिले तो मुझे भी बता दीजिएगा, ठीक है। तो बाकी सवाल पहले किए हुए थे, मैं जस्ट वीडियो एडिट करके अपलोड कर दूंगा। फिर भी अगर किसी को कोई सवाल नहीं समझ आ रहा, कोई मसला आ रहा है तो शाबाश शाबाश शाबाश, वेलकम, अल्लाह दे वाले। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है अमाउंट भी निकालो और प्रेजेंट वैल्यू भी निकालो, ठीक है। तो अमाउंट के लिए हम रिलेशन पढ़ के हैं, एस एन होते हैं, एक एन्यूटी डी यू, आर की वैल्यू आ गई 700, पेबल एट द बिगनिंग, ठीक है जी। बिगनिंग था, बिगनिंग के लिए जो रिलेशन है वो हमने पढ़ा था आर इंटू 1 प्लस आई की पावर एन प्लस 1 माइनस 1 ओवर आई माइनस आर। इसी तरह जो प्रेजेंट वैल्यू के लिए है वो हमने आर इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर, ठीक है। यहाँ ये बस ये रिलेशन चेंज हो जाएगा, ये आपने याद रखना है, ओवर आई प्लस आर, ये रिलेशन होगा जब बिगनिंग वाला है, क्योंकि पीछे बिगनिंग वाला कोई भी सवाल नहीं आया, सारे एंडिंग वाले थे, तो बिगनिंग के लिए ये रिलेशन है। अब डाटा यहाँ से निकाल लेते हैं, एन जो है वो 6 है और आई जो है वो 4% है। परसेंट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 100 से, तो ये आ जाएगा 0.04। अब आपने एक चीज़ देखनी है कि सवाल में उसने कहा है कि क्वार्टर है, क्वार्टर जब भी आएगा तो आपने एन वाली को 4 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 24, और आई वाली को 4 से डिवाइड कर देना, यानी ये जो है 0.04 इसको डिवाइडेड बाय 4 कर देना, 0.04 डिवाइडेड बाय 4 तो 0.01 आ गया, 0.01। ये हमारा सारा डाटा आ गया, फार्मूले हमारे सामने हैं, इसमें हम दर्ज करेंगे और वैल्यूज निकाल लेंगे। एस, अब एन जो है वो हमारे पास है 24, आर है 700, 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है 0.01, पावर एन, एन क्या है 24 जमा 1 माइनस 1 ओवर आई क्या है 0.01 इंटू माइनस आर क्या है 700। तो सारी वैल्यूज ऊपर मौजूद हैं, सिंपली इसमें दर्ज कर देंगे और हल कर लेंगे, इनको डिवाइड कर लो, 700 डिवाइड बाई 0.01 तो ये आ जाएगा हमारे पास 70,000 इंटू, इनको जमा कर लो 1.01 आएगा, ऊपर 25 आ गई पावर माइनस 1 माइनस 700। तो इसकी मैं पावर ले लेता हूँ, 1.01 की पावर 25 माइनस 1 मल्टीप्लाई 70,000, तो ये आ गया 19,770 माइनस ये 700 है, माइनस कर दो माइनस 700 तो ये आ गया 190,70। चलो आगे पॉइंट के बाद अगर आपने रकम लिखनी है तो 2397 हो जाएगी, 4 अपने लिख सकते हैं पॉइंट के बाद। इस तरह ये प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पी बराबर आर है 700 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई है 0.01 ऊपर आ गया माइनस एन है 24 माइनस 1 ओवर आई है 0.01 प्लस आर है 700, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड कर लो, ये मैंने इधर किया था यही आएगा 70,000, 1 माइनस इनको अंदर जमा कर लो 1.01 की पावर ये 23 आ जाएगा माइनस 23 प्लस 700। अब ये देखो मैं क्या करता हूँ, 1 माइनस
ब्रैकेट 1.01 ब्रैकेट 1 की पावर -23, ये आ गया आंसर 70,000 इंटू 0.2046 प्लस 700। ये लो जी, ज़रब कर दो 70,000, ये आ गया 14319 प्लस ये 700 है, जमा कर दो तो ये आ गया जी 15019.0748। इसको राउंड कर दो ना, 8 हो जाएगी। ठीक है जी, ये सवाल हो गया ख़त्म। अभी हम इसकी रिवीजन कर लेते हैं। तो सवाल में इसने कहा था कि अमाउंट निकालें और प्रेजेंट वैल्यू निकालें एनुइटी की एट द बिगनिंग ऑफ क्वार्टर है। बिगनिंग है तो यहाँ प्लस वन आ गया ना, तो हाल ही अन्ना ना था। इसी तरह यहाँ भी माइनस एन माइनस वन ओवर आई प्लस आर हो गया। बाकी क्वार्टर है तो एन को फोर से मल्टीप्लाई कर दिया और एट को फोर से डिवाइड कर देने, वैल्यूज रख लेनी है सिंपली। और कैलकुलेशन तो आपको सुझाते हैं, आप लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 7 है हमारा, और इसमें हमने क्या करना है कि मुस्करा लो यार तुम तो क्वेश्चन नंबर करते हैं हम 7। कहता है एक बेनिफैक्टर ऑफ एन आर्ट म्यूजियम, बेनिफैक्टर भाई जो संभालते हैं, हिफाजत करते हैं किसी चीज़ की, या कह लो जिसने कोई अदारा बनाया हो तो उसको फिर केयर होती है। वांट्स टू एस्टैब्लिश परपेचुअल फंड, वो चाहता है एक फंड। परपेचुअल फंड वो होते हैं जो फॉर एवर के लिए होते हैं, जो चलते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। मेंटेनेंस द वर्क ताकि वो जो म्यूजियम है उसका काम होता रहे। स्पेशल कलेक्शन मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट कर 25,000 रुपये पर ईयर हो जाते हैं, ये हमारा आ जाएगा। हाउ मच शुड इंडिविजुअल प्लेस इन परपेचुअल अकाउंट पेइंग 9% पर ईयर, तो 9% के लिहाज से इसको परपेचुअल में कितना डालना चाहिए। तो पी बराबर है आर ओवर आई, तो आर जो है वो हमारा 25,000 है, आई जो है वो 9% है। परसेंट जब हम ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 0.09 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू यहाँ रख दी, आर जो है वो है 25,000 और आई जो है वो है 0.09। इसको हम डिवाइड कर लेंगे 25,000.09, तो ये 277.78। ठीक है, राउंड करेंगे ना। तो ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा ये यहाँ पर ये कोमा है, ठीक है, 277 ये आएगा ऐसे 277.78। वो जी ये तो बहुत बड़ी रकम बन गई। ठीक है जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें एक बेनिफैक्टर है, एक बंदा है जो किसी आर्ट म्यूजियम की वो हिफाजत वगैरह करता है, तो उसके लिए परपेचुअल फंड लगाना चाहता है ताकि मेंटेनेंस होती रहे। वो चाहता है कि 25,000 9% के लिहाज से करता रहे कंपाउंड एनुअली, तो कितनी अमाउंट बनेगी, तो ये अमाउंट बनेगी। ठीक है, ये रिलेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परपेचुअल एनुइटी। परपेचुअल एनुइटी की वैल्यू निकालें परपेचुटी के लिए, जो हमारे पास रिलेशन है पी इज इक्वल टू आर ओवर आई। ठीक है, आर ये वैल्यू जो दी होती है हमारी 500 और ये पर एनम रेट दिया गया आई 2.5। हाफ जो होता है वो 0.5 होता है, तो ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, तो इसको हमने कर लेने परसेंट ख़त्म कर लेनी है, तो परसेंट ख़त्म करें तो क्या हो जाता है 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ये 0.025। कैलकुलेटर से डिवाइड कर ले, नहीं समझ आती तो आर जो है वो है 500 और आई जो है वो है 0.025। इनको डिवाइड कर लेते हैं,
500 डिवाइडेड बाई 0.025, ये 20,000 रुपीज़ होगी। ठीक हो गया जी। तो ये जी वैल्यू ऑफ परपेचुटी एनुटी होएगी। तो फिर इसके लिए ये रिलेशन है, ये जो पर ईयर वैल्यू ये हमारी आर होती है और आई इंटरेस्ट उसने रेट दिया हुआ है, तो सिंपली फार्मूले में दर्ज करेंगे ये। इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं, 2, 2, 4 और 1, 5/2% ऐसे भी किया जा सकते हैं। ठीक है, तो 5 और परसेंट का नीचे 100 आएगा, तो इसको करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है एक पर्सन है डिज़ायर टू क्रिएट एन एंडोमेंट फंड, वो एक हेरात का यानी फंड हेराती इदारा बनाना चाहता है फंड के लिए, फंड के जरिए। तो एवरी ईयर वो 300 चाहता है कि मैं डालूँ। इफ़ द फंड कैन बी इन्वेस्टेड, और वो चाहता है कि मैं उस फंड को ना 10% कंपाउंड एनुअली कहीं पे इन्वेस्ट कर दूँ, तो बताओ कि वो कितनी अमाउंट होएगी 10% के लिहाज से कंपाउंड एनुअली अगर लगाया जाए। तो जो रकम है वो हमारी आर होती है 300। और जो रेट है आई 10%, परसेंट ख़त्म करेंगे तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, तो 0.10 आ गया। अब जो प्रोविडेंट फंड है या एंडोमेंट फंड है, इसका फार्मूला है पी इज इक्वल टू आर ओवर आई कंपाउंड एनुअली के लिए। आर है 300 और आई है 0.10, सिंपली डिवाइड कर लेंगे 300 डिवाइडेड बाय 0.10, तो ये आ गया 3000। ठीक है जी, अगर 300 रुपया हर साल कंपाउंड एनुअली किया जाए तो 3000 रुपया एनुअली हो जाएगा जो वो फंड बनाना चाह रहे हैं। ठीक है,